नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। बंद के बीच सस्ता हुआ गैस सिलेंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुछ दिनों पहले ही 14 अप्रैल तक बंद के ऐलान के बाद एक राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आम आदमी को राहत देते हुए गैस सब्सिडी LPG यानी कि बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत को कम कर दिया है, जिसके बाद 14.2 किलोग्राम वाला गैस सब्सिडी LPG सिलेंडर का दाम 61.5 रुपए सस्ता हो गया है। इतना ही नहीं, 19 किलो का गैस सिलेंडर के दाम को भी अब हटा दिया गया है, जिससे कि अब गैस सब्सिडी लेने वाले सभी आम नागरिकों की सहूलियत और ज्यादा बढ़ गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बनाया नया रिकॉर्ड। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बार फिर से अपना नया रिकॉर्ड कायम किया है, जिसके तहत कंपनी ने TCS को पीछे छोड़कर नंबर एक पर अपनी जगह बना ली है। खबरों की माने तो BSE के बंद होने पर RIL का MCAP 7,05,211.81 करोड़ रुपए रहा, जबकि TCS का MCAP 6,84,078.49 करोड़ रुपए रहा। वहीं रिलायंस का शेयर की बात करें तो काफी ऊंचे स्तर पर देखने को मिला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इससे पहले भी RIL और TCS एक दूसरे के साथ मुकाबले में बने रहते थे। दान के लिए सामने आए सभी लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सराहना। कोरोना वर्तमान समय में पूरी दुनिया से लेकर भारत के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद प्रधानमंत्री केयर्स फंड के लिए कई सारे लोग सामने आकर दान देते दिखाई दिए। कॉर्पोरेट जगत की बात करें तो सबसे ज्यादा टाटा ग्रुप ने 1,500 करोड़ रुपए का दान दिया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी टाटा ग्रुप की तारीफ की है। इतना ही नहीं, रिलायंस ने भी बीते दिन 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। वहीं कोरोना की स्थिति से निकलने के लिए देश के कई उद्योगपति भी सामने आकर दान देते दिखाई दिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना की इस परीक्षा की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी आम नागरिकों से अपील करते हुए प्रधानमंत्री केयर्स फंड का गठन किया था। साथ ही देशवासियों से आह्वान किया था कि वह कोरोना की इस परीक्षा को पास करने के लिए इस फंड में ज्यादा से ज्यादा दान करें। मरकज के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शुरू की अपनी जांच पड़ताल। बीते दिन दिल्ली के निजामुद्दीन के मस्जिदों में पना लेने वाले जमातियों को चिन्हित कर उन्हें वहां से निकाला गया है। यूपी सरकार का यह दावा है कि मरकज में शामिल 95% लोग की पहचान कर ली गई है और उन्हें आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया है। खबरों की माने तो अब तक वहां से 2000 से अधिक लोगों को आइसोलेशन सेंटर में भेजा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में बीते दिन कई मुस्लिम विदेशियों के रुकने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरी प्रतिक्रिया का दारोमदार संभाल कर वहां से तमाम मुस्लिम विदेशियों को बाहर निकाला। वहीं निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साद पर सख्त से सख्त कदम उठाने का आदेश भी जारी किया गया है, क्योंकि कोरोना के फैलते असर को देखते हुए इतनी भारी संख्या में लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना कोरोना के फैलने की आशंका को और ज्यादा बढ़ा देता है। आज से बदल जाएंगे इन 6 बैंकों के नाम। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत कई सारे अहम बदलाव किए गए हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सभी बदलाव धीरे धीरे किए जा रहे हैं। इसी बीच बैंक सेक्टर में बहुत बड़े बदलाव होने की खबर सामने आई है, जिसके तहत आज से 10 बैंकों का विलय प्रभारी हो जाएगा और इस विलय के साथ ही 6 बैंकों के नाम और पहचान पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, जिसके तहत अब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक का नाम आज से बदल दिया जाएगा और सभी बैंक किसी न किसी अन्य बैंक के साथ विलय होकर ही काम करेंगे। खबरों की माने तो विलय के बाद अब सभी खाता धारकों को नया खाता नंबर और कस्टमर ID मिल सकती है। वहीं नया चेकबुक समेत अन्य चीजें भी जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाएंगी। हालांकि अभी कोरोना के माहौल में ऐसे किसी नए अपडेट्स की खबर अभी सामने नहीं आई है। UN ने भारत और चीन को लेकर कही अहम बात। कोरोना के बढ़ते असर के कारण विश्व अर्थव्यवस्था यकीनन धरले पर आ जाएगी, क्योंकि कोरोना के कारण पूरी तरीके से बंद का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से कामकाज भी पूरी तरीके से बंद है। वहीं अब इस पर संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना के बढ़ते मामलों और साथ ही साथ कोरोना की चपेट में आ रहे अर्थव्यवस्था पर अपना अहम बयान जारी किया है, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल मंदी में चली जाएगी, जबकि भारत और चीन इससे उभरने में कामयाब रहेंगे। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का विस्तार नहीं किया गया है कि भारत और चीन कैसे और क्यों अर्थव्यवस्था की इस परीक्षा में पास हो जाएंगे, मगर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह साफ किया गया है कि विकासशील देशों पर कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। जियो से लेकर BSNL ने बढ़ाई वैलिडिटी। कोरोना के असर के बीच मोबाइल कंपनियों ने लोगों को राहत दी है, जिसके तहत ट्राई की अपील के बाद सभी मोबाइल कंपनियों ने अपने प्रीपेड ग्राहकों की वैलिडिटी को बंद तक बढ़ा दिया है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के BSNL, MTNL के अलावा जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का नाम भी शामिल है। इतना ही नहीं, सभी टेलीकॉम कंपनियों ने 10 रुपए का मुफ्त टॉक टाइम भी दिया है। इसके अलावा एयरटेल ने भी प्रति ग्राहक कम औसत राजस्व के लिए वैलिडिटी को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। एयरटेल ने भी 10 रुपए का मुफ्त टॉक टाइम दिया है। इसके साथ ही जियो ने भी अपने सभी ग्राहकों
को 100 मिनट के मुफ्त कॉलिंग का विकल्प भी दिया है। तबलीगी कार्यक्रम के लिए कुछ समय के लिए अब नहीं मिलेगा वीजा। निजामुद्दीन मरकज में मजहबी जलसे में शामिल लोगों को देखकर सरकार ने अब अहम फैसला लिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने तबलीगी की गतिविधियों को रोकने के लिए पर्यटक वीजा रोकने का फैसला किया है, जिसके तहत गृह मंत्रालय ने कहा है कि इन लोगों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं आने वाले समय में अब विदेशी तबलीगी गतिविधियों में हिस्सा लेने वालों को पर्यटक वीजा नहीं दिया जाएगा। ज्ञात हो अक्सर लोग तबलीगी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए विदेश जमाती पर्यटक वीजा पर भारत आते हैं और यहां धार्मिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। वहीं अभी भी मिले अलग अलग मस्जिदों में से 700 से ज्यादा विदेशों में ज्यादातर टूरिस्ट वीजा पर यहां आए हुए हैं, जिनको अब चिन्हित कर सरकार आइसोलेशन वार्ड में डाल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सुरक्षित है उन्हें वापस भेजने का काम कर रही है। आज से पीपीएफ सुकन्या समेत कई बचत योजनाओं की ब्याज दर होगी कम। आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। सरकार ने छोटी बचत योजना पर 80 से 140 आधार अंकों पर ब्याज दरों को कम करने का ऐलान जारी किया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बयान के मुताबिक 1 अप्रैल से सभी ब्याज दरों पर इसका भारी असर देखने को मिलने वाला है, मगर छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर को कम किया गया है। इसके तहत सरकार ने राष्ट्रीय पशु प्रमाण पत्र और पब्लिक प्रोविडेंट फंड समेत छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को पहली तिमाही के लिए 1.4% तक घटा दिया है। आईपीएल के स्थगित होने से 3,000 करोड़ का होगा घाटा। कोरोना के बढ़ते असर के कारण स्थगित हुए आईपीएल से बीसीसीआई को काफी ज्यादा घाटा होने वाला है। खबरों की माने तो इस साल के आईपीएल से 3,000 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला था। हालांकि आईपीएल के स्थगित होने के बाद अब घरेलू खिलाड़ियों की मुश्किलें भी बढ़ गई है, क्योंकि बीसीसीआई ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई खेल नहीं तो कोई वेतन नहीं होगा, जिसके बाद अगर आईपीएल को पूरी तरीके से स्थगित करने की नौबत आई तो खिलाड़ियों को पैसा नहीं मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आईपीएल का आयोजन अगर समय अनुसार होता तो टूर्नामेंट शुरू होने से 1 हफ्ते पहले 15% राशि दी जाती थी। टूर्नामेंट के दौरान 65% राशि दी जाती थी, बाकी बचे राशि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद दी जाती थी। परेश रावल, सलमान खान और अक्षय कुमार की जमकर करते दिखे तारीफ। कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंद के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी आम नागरिकों से आगे आकर मदद करने की अपील की थी, जिसके बाद कई बॉलीवुड सितारे दिल खोलकर सामने आए थे। अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री सहायता कोष में 25 करोड़ की मदद की थी। वहीं सलमान खान ने इंडस्ट्री के 25,000 लोगों की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद अभिनेता परेश रावल ने दोनों अभिनेताओं की जमकर तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि किसी स्वार्थ के लिए नहीं, ना ही किसी राजनीतिक करियर की इच्छा के लिए, ना ही राजदूत या सरकार के एहसान के लिए, यह एक सज्जन नागरिक है जो ईमानदारी से अपने द्वारा कमाए गए पैसों का दिल खोलकर दान कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्षय कुमार को कनाडा का नागरिक कहते हैं। इतना ही नहीं, परेश रावल ने आगे लिखा है कि आपको जानकर और आपके साथ काम करके बहुत अच्छा महसूस होता है अक्षय कुमार। वहीं सलमान खान के लिए उन्होंने कहा कि शेर दिल वाले सलमान खान को मेरा सलाम है। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोरोना की स्थिति में दान के लिए सामने आए सभी लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।